प्रॉब्लम 3 जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। आपने जनरल एंट्रीज कर दी, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन में रीड कर रहा हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना लेके आया है 150,000। तो ये क्या है आपका कैपिटल, कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट, और कैश फॉर्म को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कैश फॉर्म डेबिट और कैपिटल फॉर्म क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 150। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 90,000, गुड्स परचेज किए हैं कैश, ठीक है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स जब भी परचेज करते हैं तो आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे आप, और कैश आपने पे किया इससे डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 90,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश पे, फर्नीचर आपके क्या है एसेट, एसेट की इंक्रीज डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश आपने पे किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट है जी 15,000। उसके बाद नेक्स्ट है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किया आपने कैश पे, कैश रिसीव किया एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और गुड्स सेल किया सेल को आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनकम होती है, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, कितना 30,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू एम रोफ, आपने गुड्स सेल किया रोफ को, ये आपने क्रेडिट पे सेल किया, तो आपने रोफ से पैसे लेने हैं, रोफ हमारा क्या बन गया है डेटर, डेटर क्या होते हैं एसेट, एसेट की इंक्रीज डेबिट, एम रोफ को आप डेबिट करेंगे और गुड सेल की आपने सेल को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे एज एन इनकम, कितना 24,000। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम जुल्फिकार 15,000, गुड्स आपने परचेज किए हैं जुल्फिकार से, ये आपने क्रेडिट पे परचेज किए, ठीक है, परचेजेस अकाउंट को तो आप डेबिट करेंगे, क्रेडिट आप करेंगे जुल्फिकार को, क्योंकि आपने जुल्फिकार को पैसे देने हैं, जुल्फिकार हमारा क्या बन गया है क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, लायबिलिटी आपकी क्या होगी इंक्रीज, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और जुल्फिकार को आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से 15,000। उसके बाद जी गुड्स सोल्ड टू अली एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट 18,000, गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी है 18,000, आपने ट्रेड डिस्काउंट देना है उसको 10%, ट्रेड डिस्काउंट ना ही तो एक्सपेंस होता ना ही इनकम, इसकी एंट्री बुक में शो नहीं होती। अब आपने अली को गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे, आपने अली से पैसे लेने हैं, अली हमारा क्या बन गया है डेबिट, अली अकाउंट को आपने डेबिट कर लिया और सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर लिया, अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, टोटल अमाउंट है जी लिस्ट प्राइस 18,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है जी 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 1800, तो गुड्स आपने टोटल सेल की हैं 16,200, कैसे निकला 18,000 माइनस 1800, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 16,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम एमरोफ इन सुफुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, आपने कैश रिसीव किया है एमरोफ से, उसका अकाउंट आपने सेटल कर दिया, कैश कितना रिसीव किया ये हमें बताया, डिस्काउंट का नहीं बताया, डिस्काउंट हम खुद निकाल लेंगे, कैसे कैश आपने कितना रिसीव किया रोब से 22,800, आप देखिए आपने रोब से रिसीव कितना किया, रोब से आपने रिसीव करना है 24,000, ठीक है, ये देखिए आपने रोब को रिसीव बनाया, रिसीव कितना किया है 22,800, तो दोनों का डिफरेंस ले आप 24,000 माइनस कितना कैश रिसीव किया 22,800, तो ये कितना आएगा 1200, यानी कि आपने रऊफ को 1200 रुपया डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो कैश कितना रिसीव किया आपने, कैश को डेबिट कर ले कितना 22,800, डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया है इसको, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट,
डिस्काउंट अगर डेबिट में लिखा है तो वो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में लिखा है तो वो डिस्काउंट रिसीव है। तो एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट मैं अलाउड नहीं लिख रहा साहब, ठीक है, ये डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, डेबिट करेंगे आप कितने से, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कितना 1200। अब रोफ को आपने उस अकाउंट सेटल कर देना, कितना रिसीव करना था 24,000, ठीक है। अब डेटर आपके डिक्रीज होंगे कितने से, 24,000 से, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, रोफ को आप करेंगे क्रेडिट, या जब आपने रोफ से अमाउंट रिसीव कर ली तो ये डेबिट में है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन पूरी अमाउंट से, ओके। आपने इसका अकाउंट क्या किया है, सेटल कर दिया, कितना 24,000। डेबिट में देखिए कितनी अमाउंट बन रही है, 24,000, क्रेडिट में भी लॉफ कितने से आ गए, 24,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैश पे टू जुल्फिकार एंड ही अलाउड डिस्काउंट, आपने जुल्फिकार को कैश पे किया, उसने आपको डिस्काउंट अलाउ किया। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, जब आप कैश पे करेंगे तो आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे अगर डिस्काउंट आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। आप देखिए आपने जुल्फिकार को कितना पे करना है, 15,000। आपने जुल्फिकार को कितना कैश पे किया है, 5,700। डिस्काउंट अभी हमने बता दिया है, अभी पूरी पेमेंट नहीं की। आपने जुल्फिकार को कैश पे किया है 5,700, उसने आपको डिस्काउंट अलाउ किया है 300, ठीक है। सबसे पहले हम जुल्फिकार को डेबिट करते हैं, क्योंकि जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, ठीक है। तो जुल्फिकार को तो आपने डेबिट कर दिया क्योंकि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। या जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं तो खत्म करने के लिए क्या करते हैं, आप डेबिट करते हैं। अब आपने डेबिट कितनी अमाउंट से करना है वो भी हम बाद में देखते हैं, पहले आप कैश को क्रेडिट करें। कैश आपने कितना पे किया, 5,700, उसने आपको डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 300। आपने डिस्काउंट रिसीव किया, आपके लिए इनकम है, उसके लिए एक्सपेंस है, लेकिन आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, डिस्काउंट आपकी इनकम है, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, डिस्काउंट आ गया क्रेडिट में, क्रेडिट में अगर डिस्काउंट लिखा है तो वो डिस्काउंट रिसीव है, ठीक है। कितना 300, आप क्रेडिट में कितनी अमाउंट है, 6,000, दोनों को प्लस करें तो जुल्फिकार कितने से डेबिट होगा, टोटल 6,000, ठीक है। उसके बाद है जी कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी, आपने कैश पे किया, आपने स्टेशनरी परचेज किया, स्टेशनरी आपका क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश आपने पे किया, कैश को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से, 7,000। उसके बाद है पेड ऑफिस रेंट 2,400, आपने ऑफिस रेंट पे किया है, रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 2,400। उसके बाद नेक्स्ट है जी गुड्स रिटर्न टू जुल्फिकार, आपने गुड्स वापस किया जुल्फिकार को। अब आप देखिए आपने जुल्फिकार से परचेज किए हैं तो ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। जब आप जुल्फिकार को गुड्स वापस कर देंगे तो आप उतनी अमाउंट से जुल्फिकार को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, आपके क्रेडिटर उतनी अमाउंट से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जितनी की आपने गुड्स वापस करनी है तो लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, जुल्फिकार को आप डेबिट करेंगे और रिटर्न आउटवर्ड को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न भी बोलते हैं या रिटर्न टू सप्लायर। कितनी गुड्स वापस की आपने उसको, 1,500। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन पेड सैलरीज टू स्टाफ, आपने सैलरीज पे की है, एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, सैलरीज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 2,700। इसको आप लोग नोट करें ट्रांजैक्शंस को।